देखिए इधर की ओर मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम है सिटी बैकपैकर हॉस्टल। यहाँ पे मैंने रूम मेरे को 3 नाइट के लिए पड़ा, जिसका प्राइस पड़ा मुझे $18। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, वियतनाम के हनोई शहर के पहले दिन के पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के बाहर। ये इधर की ओर मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम है सिटी बैकपैकर हॉस्टल। हॉस्टल को आप गूगल पे या booking.com पे डालेंगे तो आ जाएगा हनोई सिटी बैकपैकर हॉस्टल। यहाँ पे मैंने रूम मेरे को 3 नाइट के लिए पड़ा, जिसका प्राइस पड़ा मुझे $18। तो चलिए मैं आपको ये हॉस्टल सबसे पहले दिखा देता हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ बाहर का टूर कराने। ये हॉस्टल का लॉबी एरिया है, यहाँ पे आप अपना के चेक इन कर सकते हैं। और इधर की ओर देख सकते हैं, इधर की ओर वहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है, वहाँ पे आप अपना खाना पीना खा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री फ्री है। तो आप यहाँ पे अगर वेजिटेरियन हुए हैं तो ब्रेड बटर वगैरह और जूस वगैरह पी सकते हैं, केला वगैरह खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पैकेज भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पैकेज लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मुझे मैप समझा रही थी सिस्टर कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये इतने सारे पर्यटक लिस्ट हैं, यहाँ आप जा सकते हैं हनोई में। टोटल 27 हैं, इसमें 4-5-6 भी मेन हैं, आप जा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने होंचीमिन सिटी या हनोई एयरपोर्ट से सिम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ आपको प्लान दिखाया था, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने सोचा सस्ता पड़ेगा, लेकिन आज सुबह आके, कल मैंने सिम नहीं लिया था, आज सुबह आके अपने हॉस्टल से ही, हनोई बैकपैकर सिटी हॉस्टल से ही मैंने ये सिम कार्ड लिया है। ये सिम कार्ड मुझे बिना फ़ोन कंपनी का है, जो मुझे $10 में मुझे 1 महीने तक 4 GB डेटा रोज़ मिलेगा। हालाँकि मैं 1 महीने रुकने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ तो 8 दिन ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इससे कम का कोई प्लान नहीं। अगर आप 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, अगर आप सिम लेते हैं किसी भी कंपनी को, तो आपको $10 देना ही पड़ेगा। भारतीय मुद्रा में करीब 800 रुपये का प्रॉक्स, उसमें आपको 4 GB डेटा डेली मिलेगा। तो देख लो, सिम ले लिया है मैंने, ये बता दिया, आप चलिए चलते। तो चलिए अब डॉर्मेट्री रूम दिखा देता हूँ अपना, जो मेरे को रूम मिला है। ये हॉस्टल का रूल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको अपना डॉर्मेट्री रूम दिखा देता हूँ कैसा है, दिखा देता हूँ आपको। सबसे ऊपर है तो ये देख लीजिए, डॉर्मेट्री रूम है। इस प्रकार आपको डॉर्मेट्री रूम मिलेगा। ये मेरा बेड है, देखिए मेरा सामान रखा हुआ है उधर। और ये वॉशरूम है, यहाँ पे अपना नहा धो सकते हैं। तो भैया लोग, जैसा कि अभी हमारा हॉस्टल आपको दिखा दिया, तो दोस्तों मैं रात को यहाँ आया था, तो रात को अंधेरा था, तो इसलिए मैंने हॉस्टल का टूर आपको नहीं कराया था। अभी निकला हूँ कुछ है खाने पीने के लिए चीज़ें ढूंढने, मतलब कुछ खाने पीने का प्रबंध करूँ, भूख लगी है। फिलहाल तो मुझे नारियल पानी पीनी है ताकि डाइजेस्ट हो जाए जो खाएं। यहाँ पे आपको बुकिंग के लिए तरह तरह के एजेंट मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए तभी मैं थोड़े दिन यहाँ पे रुकूँगा, तब बताऊँगा। फिलहाल मुझे लेना है सिम। भाई साहब मुझे बुला रहे हैं, उनसे मिलते हैं, क्या उनकी समस्या है सुनते हैं। आ रहा हूँ भाई साहब, रुको तो। अरे ये बस देखिए, ओके वन आवर नो हाउ मच 300 in number 1 hour, what should be in the like? Okay, just I finish lunch and then, okay. भाई ये भाई बोल रहे हैं कि 300 रुपये जो, मतलब 3 लाख डोंग इनको दो, तो ये आपको, तो ये आपको 1 घंटे का होंचीमिन सिटी का टूर देंगे। क्यों दे भाई हम इनको 3 लाख के होंचीमिन सिटी का टूर? अभी नहाया नहीं है तुम्हारा भाई, पूछो क्यों नहीं नहाया है। हम ऐसे ही आए थे नीचे,
क्योंकि 2-3 बजे तो हम सोए थे, तो हम सोचे चलो आपको थोड़ा वीडियो बना के दिखा दिया जाए, कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। ये नारियल पानी है, पीते हैं, तो यहाँ से नारियल पानी पीते हैं। चलिए, तो भाई लोग नारियल पानी हमने पी लिया है और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए कन्याएं कुछ हैं यहाँ पे दिख रही हैं। ये देखिए पूरा वियतनाम की सड़कों पे, क्या पता देसी पर्यटक है विदेशी। अरे अरे तो मस्त दिख रही गुरु। तो जब जाएगा काफ़ी अच्छी मार्केट यहाँ पे एकदम। ये देखिए बार कॉफ़ी रेस्टोरेंट पूरे भरे पड़े हैं। इंडियन रेस्टोरेंट, भारतीय भोजन कहाँ ढूंढना पड़ेगा। आगे वीन मार्ट है, तो आप पूरा देखते जाइए। ये पूरा नज़ारा है इस वियतनाम के हनोई की सड़कों का। ये देखिए ये पूरा रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रात को नूडल्स खा रहे थे चिकन के साथ, तो मैंने देखा फ्राइड राइस वगैरह कहीं हमको नहीं मिला। भाई साहब मैं थक गया एकदम। ये देखिए तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे, चिकन मटन वेज नॉन वेज ताम झाम लोड़ा लहसुन। वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा है अभी तुम्हारा भाई। बसें चल रही गुरु, बसें। जैसे अपने यहाँ चाय सुट्टा की चाय नाश्ता की दुकान है, तो वैसे यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार यहाँ पे चाय सुट्टे की दुकानें लगती हैं। लेकिन यहाँ पे मिलता है कुछ क्या, वही कीड़े मकोड़े केकड़ा पोक क्या क्या कहते हैं वही सब मिलता है गुरु। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान हो भाई। इन गलियों में तुम्हारा भाई खो ना जाए। मेरा हॉस्टल किधर है वो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये देखिए छन्नी ताम ने मैं है गोरकी भोजी को देख लो। गोरकी मैडम हो, आगे की ओर चलते हैं। ज़्यादा आगे तो नहीं आ गया भाई, ये छोटी मार्केट है बहुत अच्छी। जाएंगे जाएंगे, रिवर भी आज जाएंगे आपको दिखाना है, हनोई की जो रिवर है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की शॉप यहाँ पे, और ये भोजी देख लो। ये दिख रहे कच्ची गली लेकिन ये मैरिड है भाई, तुम्हें क्या पता, अपन एक्सपीरियंस के साथ बोल सकते हैं। अब क्या करूँगा दोस्त ना, अब चलिए आपको लेके चलूँगा अपने हॉस्टल में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है कल का परसों का। इसको मैं लैपटॉप में बैकअप लूँगा। मेन मेरा भी फुल फोकस है ऑडियो और वीडियो के स्टेबलाइजेशन पे, तो इन दोनों में अगर कोई कमी आ रही है तो ज़रूर फीडबैक और सुझाव दीजिएगा। हालांकि थोड़ी बहुत नॉइस का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। अभी मैं रोड पे मार्केट में हूँ, और इस गोरकी को देख लो, तो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हर तरफ से शोर हो, तो थोड़ी ऑडियो क्वालिटी या डाउन या लो हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट इस प्रकार। ये देखिए कमिंग लेटर। यहाँ से हनोई सिटी सेंटर से एयरपोर्ट करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप बस का साधन ले सकते हैं। आप बस डायरेक्ट चलती है, बस से आ जाएं, या फिर ग्रैब टैक्सी कर लें, या ग्रैब बाइक टैक्सी करेंगे तो अगर सामान रहेगा तो आपको बैठे बैठे आपके कमर दुखने लगेगी। और बात यह भी है कि यहाँ के ग्रेप बाइक वाले साले बहुत तेज़ चलाते हैं यार, गांड फाड़ देते हैं इतनी तेज़ चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भाई साहब सब्जी बेचने आए हैं, इसमें भुट्टा लहसुन आलू नींबू बेच रहे हैं भाई। अपनी गली यही है या कौन सी है, अगर आप ठेला यहाँ पे करते हैं रिक्शा तो इस प्रकार यहाँ पे रिक्शा चलते हैं, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे टूर वगैरह आप बुक करना कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे ऑफिस जैसे सामने है। ये देखिए यहाँ पे आप टूर वगैरह बुक कर सकते हैं अपने लिए। भाई भूल गया लो अपना होटल, अब क्या होगा, खा लिया तेरा।
गलियों में ढूंढना। आज मैं ना अभी अपने होटल का कार्ड ले लूँगा भाई। मिल गया, मेरा होटल भी मिल गया लगता है। नो, उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी है भाई। यहाँ पे तो फ्राइड राइस वगैरह भी नहीं खा सकते, फ्राइड राइस मिलता कहाँ है, मुश्किल है भाई। यहाँ तो लोग नूडल्स ही खाते हैं और क्या क्या। हेलो हाय, हेलो हाय, वेलकम टू हनोई वियतनाम। ये पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, ये पूरी पर्यटक मार्केट ही है। मार्केट मतलब हनोई का पर्यटक हब ही है यहाँ। मतलब सारे टूरिस्ट आते हैं, जिधर देखेंगे उधर टूरिस्ट ही। लोकल बैठे, लोकल भी यहाँ कितने खूबसूरत हैं भाई साहब, क्या कहोगे। एक पाजी दिखे मुझे, मुझे ऐसे हाथ किया तो मैंने भी ऐसे हाथ कर दिया। काफ़ी अच्छा लगता है। आगे देखिए सब दुकानें, पूरी मार्केट है गुरु, ये ख़तरनाक वाली। लेकिन भाई अब लगता है कि मैं घूम जाऊंगा, इसलिए भैया होटल ही चल दो समझे। हनोई की बसें ये देखिए, ये देखिए पूरी इस प्रकार बसें चलती हैं हनोई में, देख लिए। आगे चलो गुरु, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, शहरों जैसा माहौल है भाई। भाई हॉर्न बजा बजा के गाड़ फाड़ दो हमारी। यहाँ पे जहाँ पे भी आप हनोई के सड़कों पे घूमेंगे ना, हनोई शहर के सड़कों पे घूमेंगे ना, हर जगह टुक टुक रिक्शा वाले हेलो हेलो हेलो, मतलब आपको डिस्टर्ब कर देंगे। हालांकि इनके साथ जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो मत जाओ, हमें क्या है। हाँ लाइक दिस, मैं भी इट्स ओके। अब मुझे मुड़ना है इधर की ओर। हाँ ये टीपी बैंक, मिल गया भाई, मिल गया, पहुँच ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे है बुकिंग ऑफिस। यहाँ ये देखिए यहाँ पे बुकिंग ऑफिस। अगर यहाँ पे अगर कुछ आप बुक करना चाहते हैं तो आराम से अपना कर सकते हैं, टूर पैकेज वगैरह। फ़िलहाल बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा रिसर्च करने के बाद। ये देखिए हमारा हनोई सिटी बैकपैकर हॉस्टल आ गया, एक चक्कर आपको घुमा के ला दिया। अब चलिए जो शूट किया इस डाटा को मैं बैकअप ले लेता हूँ, उसके पश्चात आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ बाहर मेरी कुर्सियाँ लगी हैं, बैठते हैं इस पर। ओए भाई ये गोरी की के देखो रे, सीधा यहाँ पे बहुत मस्त मस्त है भाई, एक महीना कह नहीं सकते। फाइनली अभी थोड़ा घूम घाम के एक राउंड मार के सिटी का आ गए हैं अपने हॉस्टल पे। अब चलिए थोड़ा यहाँ पे डाटा उटा का बैकअप लेते हैं और फिर चलते हैं मेन हनोई के टूर पर। तो इसी के साथ वीडियो बहुत हो गया लंबा, तो इसी के साथ अभी का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये था हमारा आज का हनोई के वियतनाम का पहला वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो दोस्त अगर मसाज कराएं तो आप आ सकते हैं, मसाज के काउंटर है स्पा ब्यूटी रिलैक्स, तो आप यहाँ पे आके इनसे मसाज करा सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे 30 मिनट 250 250,000 डॉन का मसाज है, चलिए हम कराते हैं इनसे। भाई साहब ये जो पीछे बंदा है ना जिसने हेलो किया था मुझे, तो भोसड़ी वाला वो भी दल्ला है। मैंने हेलो किया, फोटो खिंचाया, फिर उसके बाद आके बोलता है यू वांट टू गो बुंदू मसाज। बोले भाई तूने तो यार मूड डिस्टर्ब कर दिया। मैंने बोला नो 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 नो।